नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, सिटी वेब न्यूज में आपका स्वागत है और आपके लिए पेश है आज के कुछ खास समाचार फटाफट न्यूज में। गोपाल नगर स्थित गोपाल मंदिर में ब्रह्म ऋषि मदन लाल मदन की पुण्य स्मृति में गीता ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में श्री रामलीला महोत्सव 22 सितंबर 2019 से प्रारंभ होने जा रहा है। इस कड़ी में श्री रामलीला कमेटी द्वारा रोज की सवारी भव्य रूप से निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में गंगो ब्लॉक परिसर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने युवा नेता जोनी डिंगाने का स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा सहारनपुर में कमिश्नरी पर महापंचायत पर प्रदर्शन किया और 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सहारनपुर मंडल के आयुक्त को सौंपा। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम रोडवेज बस स्टैंड निकट रेलवे स्टेशन पर चलाया गया। सिटी वैन न्यूज चैनल में समाचार फटाफट के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। गोपाल नगर स्थित गोपाल मंदिर में ब्रह्म ऋषि मदन लाल मदन की पुण्य स्मृति में गीता ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने गीता को विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताते हुए कहा कि यह किसी जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से गीता का पाठ करना चाहिए। शहर के प्रमुख फिजिशियन डॉक्टर संजीव मिगलानी ने इस मौके पर लोगों को वर्तमान समय में होने वाली बीमारियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने डॉक्टर संजीव मिगलानी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राहुल लखनपाल शर्मा, मेयर संजीव वालिया, महेंद्र तनेजा, नीरज भारद्वाज, बलबीर सेठी, रमेश छाबड़ा आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा सहारनपुर में कमिश्नरी पर महापंचायत कर प्रदर्शन किया और 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सहारनपुर मंडल के आयुक्त को सौंपा। सहारनपुर में आज भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा कमिश्नरी पर महापंचायत कर प्रदर्शन किया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि विगत वर्षों के अवशेष गन्ना मूल्य का ब्याज सहित किसानों को भुगतान कराया जाए। नए गन्ना क्रय केंद्रों की स्थापना, किसानों की मांगों को सर्वोपरि मानते हुए क्रय केंद्रों की स्थापना, बायो कंपोस्ट का निःशुल्क वितरण किसानों को करने की मांग, नया मोटर व्हीकल एक्ट से किसानों और आमजन का शोषण हो रहा है, नया मोटर व्हीकल एक्ट वापस लिया जाए। चंडीगढ़ हाईवे जो मलीपुर रोड को पास करता है उस हाईवे पर चढ़ने के लिए किसानों और आम जनता को कनेक्टिविटी दी जाए जिससे किसान और आमजन हाईवे का लाभ उठा सके आदि मांगों का समाधान किया जाए। भारतीय किसान यूनियन तोमर के द्वारा किए गए प्रदर्शन में काफी संख्या में पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपका नाम? मेरा नाम सुमेर सिंह है, धरातल भारतीय किसान यूनियन तोमर से। एक तो गन्ने के जो गन्ने का जो पेमेंट नहीं हो रहा ना, धरना साहब के यहाँ में तो गन्ने का पेमेंट ब्याज समेत मिलना चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो मोटर व्हीकल लगाया, मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जी एक है इसमें जो प्रदूषण फैक्ट्रियों का जल, फैक्ट्रियों का पानी नदियों में डाला जा रहा है, इसमें कैंसर जैसी बीमारी हमारे जो है क्षेत्र के गाँव में हो रही है। ये कई मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर हमने एक बिजली का 10,000 रुपये पे कनेक्शन करते जा रहे हैं। और जो शहर में बड़े से बड़े आदमी हैं उनका एक आदमी का भी कनेक्शन नहीं कटा जा रहा। किसानों के गरीब लोगों के 10,000 रुपये पे एफआईआर करके मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन है कमिश्नर साहब ने। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में गंगो ब्लॉक परिसर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने युवा नेता जोनी डिंगानिया का स्वागत किया। इस अवसर पर युवा नेता जोनी डिंगानिया ने कहा कि शासन ने फिलहाल तो मेला प्रथा के अंतर्गत 40,000 रुपए के फॉर्म भरवाने की उनकी मांग मान ली है, लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं दिया जाता तो वाल्मीकि समाज सड़क जाम करने के लिए बाध्य होगा। अभी एक सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई थी मैनुअल स्क्वेंजर, जिसका नाम है मेला प्रथा। कुछ लोगों को तो फार्म में, जैसे कि उन्होंने फार्म भरे थे, कुछ लोगों को तो उनका लाभ मिल चुका था और कुछ लोगों को नहीं मिला। अब जो लोग वंचित थे उनके लिए मैंने उनकी सूची बनवाई। पूरे जिले पे 11 ब्लॉक पड़ते हैं, 11 ब्लॉकों में मैंने पूरी सूची बनवाई और सूची बनवाने के बाद मैंने धरने प्रदर्शन किए। 3 धरने प्रदर्शन किए मैंने DM कार्यालय में, 1 धरना प्रदर्शन किया मैंने विकास भवन में CDO के यहाँ। आज मामला यहाँ तक पहुँचा है कि सरकार ने हमारी सुन ली गई है और ये 11 ब्लॉकों में कैंप करवा दिए गए हैं। अब हम ये चाहते हैं इन्हें 40,000 रुपये मिलने चाहिए। अगर इन्हें 40,000 रुपये फार्म भरने के बाद भी नहीं मिले तो हम पूरे वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि संगठन बनाकर हर जगह जाकर, हर गांव में जाकर, हर जिले में जाकर हम रोड जाम कर देंगे अगर 40,000 रुपये इन लोगों तक न पहुँचे।
श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में श्री रामलीला महोत्सव 22 सितंबर 2019 से प्रारंभ होने जा रहा है। इस कड़ी में श्री रामलीला कमेटी द्वारा रोज की सवारी भव्य रूप से निकाली जाएगी। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि 27 सितंबर को भगवान श्री राम जी का मंडे का आयोजन श्री रामलीला भवन में होगा। 28 सितंबर को भव्य राम बारात श्री रामलीला भवन से प्रारंभ होगी, जिसमें मधुर धुनों को बिखेरते हुए 15 बैंड, 2 रणसिंघी, 1 नासिक ढोल, मथुरा की शहनाई, 10 भव्य रथ, 25 झांकी आदि होगी। श्री राम बारात की शोभा देखने लायक होगी। प्रभु श्री राम जी का रथ देखने लायक होगा। रथ के सारथी विश्वनाथ गोयल, दशहरे के सारथी सुनीत गोयल, भरत मिलाप के सारथी अमित गुप्ता होंगे। इस अवसर पर प्रेस प्रवक्ता प्रधान अनिल अग्रवाल, मंत्री माई दयाल सिंह, कोषाध्यक्ष अमित गुप्ता, उत्सव संचालक कुलदीप अग्रवाल, उप प्रधान आलोक अग्रवाल, उप मंत्री हितेश गर्ग, मनोज तायल, राजा जैन, मानसिंह जैन, अमित सिंघल, सचिन गोयल, सुमित जैन, मुकेश सिंघल आदि उपस्थित रहे। रामलीला महोत्सव 2019 22 तारीख से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अंदर हमारे यहाँ हर वर्ष की भांति जिस प्रकार से आयोजन किया जाता है, मंडे का भव्य राम बारात का, जिसमें 10-15 बैंड हैं, भव्य सेनाई, मथुरा की, राया की और मेरठ की, सभी जो है इसमें 8-10 रथ और 25-30 झांकियाँ, भव्य शोभा यात्रा जैसे कि हर वर्ष मनाई जाती है, उसे अच्छे से अच्छा बनाने का हमारा प्रयास है। ऐसे ही हमारा दशहरे के महोत्सव पर 4-5 हाथी और उसी में सब चीज इन्वॉल्व होंगी। भव्य सुंदर तरीके से आप सबके सहयोग से इस दशहरे पर्व को मनाने की हमारी कोशिश। आपका शुभ नाम? मेरा नाम माई दयाल सिंह, मंत्री रामलीला कमेटी। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के रूप में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज स्वच्छता का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजीव गुम्बर, राजू पंडित, अरुण गुप्ता, सागर कटारिया, राहुल झाम, दिव्यांश पंडित, हिमांशु खेरा, सुमेर शेखावत, सागर वर्मा, रतन सिंह, हितेश शर्मा, विवेक त्यागी, शुभम गोयल, आशु अरोड़ा, वंश शर्मा, विमल काम्बोज, शिवम कुमार, कार्तिक रोहिला सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिटी वैन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें।